अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल करम से। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह जिस जिस के घर में अनभाई बच्चियाँ बैठी हुई, इनकी शादी है अता फरमा दे। जो नौजवान बच्चे बेरोज़गार है, अल्लाह उन्हें रोज़गार अता फरमा दे। अल्लाह मेरी इस दुआ को कबूल करे। आज मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ डेजर्ट, मलाई और ब्रेड का डेजर्ट बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने मेजर के लिए कप ले ली हूँ। यहाँ पे डाल लेंगे 2 कप, ये जो गरम करके मैं इसको ठंडा कर ली थी। यहाँ पे 2 कप मैं दूध डाल ले रही हूँ। इसको रख देंगे चूल्हे पे पकने के लिए, अच्छी तरह से गरम हो जाना है। यहाँ पे 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले ली हूँ मैं, जिसे थोड़ा सा दूध डाल के मिला के रख देंगे इसको। 1 चम्मच ली मैं, यहाँ 1/2 कप दूध ले रही हूँ। 1/2 कप दूध में 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर मिला लेंगे और इसको अच्छी तरह से, कस्टर्ड को अच्छी तरह से मिला के इसको रख लेंगे साइड में। यहाँ पे 1 बाउल ले ली हूँ, इसमें भी ले लेंगे अपन 1/2 कप दूध ले लेंगे, 1/2 कप को कुछ ज़्यादा ही। चलिए इसमें 1 चम्मच शक्कर मिला के रख लेंगे इसको। एक चम्मच को कुछ कम शक्कर ले ली मैं। चलिए अब इसको भी साइड में रख देंगे, इसको अच्छी तरह से पका लेंगे अपन। इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे, इलायची पाउडर से इसमें खुशबू अच्छी आती। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून से 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर डाली। यहाँ पे देखिए शक्कर डाल रही हूँ मैं, चम्मच से मेजर कर रही हूँ मैं। यहाँ पे मैंने दूध थोड़ा सा लिया है, 2 चम्मच डाली। अभी थोड़ी सी 1 चम्मच और डालेंगे, टेस्ट करके थोड़ा सा डालेंगे। दूध देखिए अच्छा उबाल आ गया। अब इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे, नीचे नहीं तो बैठ जाता, ये नीचे बैठ जाता। इसको हिला लेके आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा डालेंगे उसमें, इसको हिलाते रहेंगे, पूरा एक साथ नहीं डालेंगे। जब तक ये गाढ़ा थोड़ा सा गाढ़ा हो गया, बाद में इस फ्लेम को बंद कर देंगे। अभी तो ये थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा और पकना है, बहुत इजी। और ये बहुत इजी, बहुत आसान, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का और झटपट बनने वाली रेसिपी है ये। देखिए आप लोग भी बना के। फ्लेम को लो पे रखी मैं, हाई पे रखेंगे तो आप एकदम गाढ़ा हो जाएगा, एकदम गाढ़ा भी नहीं होना है। थोड़ा सा और पकने का है बस, उसके बाद निकाल लेंगे अपन। यहाँ पे ठंडे के लिए इसको आप फ्रिज में रख देंगे अपन। यहाँ पे मैंने फ्रेश 4 ब्रेड ले ली हूँ। अब इसको साइडों के कट कर लेंगे। यहाँ पे इसको मैंने, आप कौन सा भी शेप दे सकते हैं इसको, मैं यहाँ पे ट्रायंगल शेप दे रही हूँ इस तरह से। इसको कट कर लेंगे। यहाँ में ये घर की जमी हुई मलाई है, मैंने हम दूध की मलाई हमेशा निकाल के रखती हूँ, इससे जो है सो कुछ ना कुछ काम में आती मलाई, आपको घी बनाने के लिए ऐसे ही काम के लिए। घर के ही ये मलाई है, इसे जरा जमी हुई है, इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। यहाँ पे मलाई को अपन, मैं इसमें शक्कर वगैरह कुछ भी नहीं डाल रही, सिर्फ मलाई लेके इसको लगा दे रही। टुकड़ों को इसी तरह से लगा लेंगे अपन मलाई। आप चाहे तो पूरे ब्रेड पे लगा के भी कट कर सकते इस तरह से। इसको रख देंगे यहाँ पे। यहाँ पे मैं दूध में शक्कर डाल के रखी थी, इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे अपन। हिला लेंगे, इसको डिप कर लेंगे अपन, जो मलाई लगा के रखी थी मैं। देखिए आप इसको, इसको ऐसे डिप कर लेंगे। डिप कर लेके आप जैसे चाहे उसे इसमें रख सकते, ऐसे ही पूरे रख लेंगे अपन। यहाँ पे देखिए पूरी मैंने मलाई लगा ली हूँ ब्रेडों को। इस पर डाल लेंगे ये कस्टर्ड वाला दूध, बहुत मज़े की, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है।
मलाई ब्रेड डिज़र्ट बन के यहाँ पे देखिए तैयार हो गया है। घर में ब्रेड है, दूध है, मलाई है, तो आप थोड़ी देर में बना ले सकते हैं। देखिए आप लोग को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो है सो कमेंट करिए आप लोग। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लिए ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। आप कुछ पूछना चाहें तो भी कमेंट भी कर सकते हैं। इस पर थोड़े से पिस्ते लगा लेंगे अपन, ये ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास है तो आप लगाइए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नई रेसिपी लेके मिलूंगी इंशाल्लाह अज़्ज़ वजन। कैसी लगी मेरी रेसिपी, झटपट रेसिपी? सुपर फास्ट रेसिपी है ये, बहुत जल्दी हर चीज़ घर में रहती आप लोग बना ले सकते हैं। एक नई डिज़र्ट आप तैयार कर ले सकते हैं घर पे ही। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नई रेसिपी लेके मिलूंगी इंशाल्लाह अज़्ज़ वजन। आप लोग का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।